Okay, class, very good morning to all of you. आवाज आ रही बेटा? बेटा मेरी आवाज आ रही है? हेलो। ओके बेटा, बीच बीच में बोल दिया करो यार फरहान, ऐसा नहीं करते हैं। आज क्वेश्चन आंसर करवाना है बेटा, आंसर इन ब्रीफ ना। आंसर इन ब्रीफ, पहला क्वेश्चन है आपका बेटा, नेम द फैक्टर दैट नेम द फैक्टर दैट अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट दैट अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट दैट अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड ऑफ ए दिख रहा है बेटा, आप लोगों को समझ में आ रहा है? दिख रहा है पूरा? चलिए बताइए भाई, मैंने शायद इस पे कल थोड़ा बहुत चर्चा की थी। कि फैक्टर इफेक्ट आपके क्या थे बॉइलिंग पॉइंट के? सिर्फ नेम लिखना है बेटा, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। तो नंबर वन आप पेज नंबर आ जाइए 74 पे, आपका आंसर दिया गया है। आप सीधा लिखिएगा आंसर, आंसर में सीधा लिखिएगा बेटा, नंबर वन है आपका प्रेशर, नंबर वन आपका प्रेशर है बेटा, और नंबर टू है आपका इंप्योरिटीज। यही दो फैक्टर इफेक्ट्स हैं बेटा आपके, इम्प्यूरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग फटाफट करते रहिएगा बेटा। पेज नंबर 74 पे है इसका आंसर। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर टू है आपका, वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। मैं देख लेता हूँ इमेज क्लियर है कि नहीं क्लियर है मोबाइल में। बेटा मोबाइल में इमेज आपकी बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो अपलोड होगा, आप लोग वहां से वॉच कर लीजिएगा। हाँ बेटा वही नंबर वन एंड नंबर टू, सिर्फ वही लिखना है आपको। हाँ एक मिनट बेटा, थोड़ा सा और रोशनी कर ले, रोशनी कम है यार।
बेटा इससे ज्यादा रोशनी हो नहीं सकती है, रूम में लाइट भी नहीं जल रही है। हो गया बेटा? अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा आप लोग। व्हाट इज मीन्ट बाय थर्मल एक्सपेंशन? थर्मल एक्सपेंशन। व्हाट इज मीन्ट बाय थर्मल एक्सपेंशन? आंसर लिखिएगा बेटा। हाँ बेटा, इतना आंसर आप लोग। द एक्सपेंशन इन अ सब्सटेंस, द एक्सपेंशन इन अ सब्सटेंस ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट का दी थर्मल एक्सपेंशन। कर लीजिए बेटा। नेम दी टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। क्या बेटा? देख रहा हूं बेटा।
बोल। बेटा नहीं, सिर्फ आपको टाइप लिखना है, टाइप। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन इन सॉलिड, ठीक है। नंबर वन आप लिखिएगा लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन नंबर वन, लीनियर एक्सपेंशन नंबर टू है आपका सुपरफिशियल एक्सपेंशन। और लास्ट है आपका क्यूबिकल एक्सटेंशन। क्यूबिकल एक्सटेंशन कर लीजिए। इरेज कर दे बेटा, इरेज कर दे। हो गया आपका। कह रहा है ऑन विच फैक्टर्स जज, अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर है आपका फोर, ऑन विच फैक्टर जज लीनियर एक्सपेंशन डिफेंस। हाँ, नंबर वन लिखिएगा, हाँ, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द लिक्विड सॉलिड नंबर टू है आपका इंक्रीजिंग टेम्परेचर। इंक्रीजिंग टेम्परेचर और नंबर थ्री है आपका मटेरियल ऑफ द रॉड। अभी आप लोग अटेंडेंस नहीं लिए हमने,
एक बार फटाफट अटेंडेंस बोल दीजिएगा आप लोग। बेटा मुस्लिम रजा, क्या नाम है? फरहान हो? फरहान रजा बेटा, कितना रोल नंबर है आपका? ए या बी? हाँ, ए सेक्शन है कि बी सेक्शन है? हाँ, नेक्स्ट कौन है? मुजफ्फर, क्या नाम है बेटा? पूरा नाम बोलो अपना। जुहैर अब्बास। कितना रोल नंबर है बेटा आपका? 9। बी में? ए में। जेहरा बुतूल। जेहरा रोल नंबर आपका 11 है ना? नेक्स्ट कौन है? और दो लोग कौन कौन है भाई? एक सगुन होगी। कनीज, फातिमा, एक भी। नेक्स्ट कौन है? हाँ, नेक्स्ट कौन है इसमें? और आपके साथ लास्ट में कौन है भाई? अलीसा प्रवीण नहीं है? अलीसा आप प्रेजेंट हो बेटा? बी में ना? अलीसा ए में है। चलिए, और एक क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा आपका। अभी वैसे टाइम हो गया है आपका, ठीक है बेटा? आप लोग कोशिश करिए कि मैक्सिमम आप लोग प्रेजेंट रहिए, क्योंकि आप लोगों का यूनिट टेस्ट होने वाला है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, व्हाई डज द ग्लास चैम्बर क्रैक व्हेन वेरी हॉट मिल्क इज पोर्ड इनटू इट? बिकॉज ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। आंसर लिख लीजिएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, लीनियर एक्सपेंशन नहीं लिखिएगा, रुक जाइए रुक जाइए। व्हाई डज द ग्लास, हाँ देख रहा हूँ। हाँ, बिकॉज आप लिख लीजिएगा। आंसर नंबर 5 है आपका। डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, बिकॉज ऑफ ग्लास इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। बस बेटा इतना कर लीजिएगा। 6-7 कल बताऊंगा आपको। ओके बेटा, कल के बाद मिलते हैं बेटा। सी यू, बाय।